नमस्कार दोस्तों, मैं नवरतन आपका अनच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो डाला था नायक भील और आदिवासियों की पहचान चिन्ह के बारे में, यानी कि पुराना पहचान चिन्ह क्या है। उस पर एक भाई का कमेंट आता है कि भाई नायक क्षेत्रीय है और इसको आदिवासियों से ना जोड़ा जाए और आप थोड़ी इतिहास को थोड़ा और पढ़ें या रिसर्च करें। तो भाई, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है कि क्यों है आदिवासी का मूल अर्थ आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि जो भारत के मूल निवासी है उसके अंदर क्षत्रिय भी आते हैं और सब आते हैं उसमें, क्योंकि भारत का मूल निवासी कोई जाति विशेष को लेकर नहीं है। जैसी आज की हमारी जो धारणाएं बनी हुई है उस तरह से आदिवासी नहीं है। बात करते हैं मुद्दे की। अगर वास्तव में आपको ये जानकारी अच्छी लगे या इस पर रिसर्च और करना चाहिए या हिस्ट्री को और खंगालना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। असम की एक जनजाति है क्रूबा, जिसे जनजातियों को मूलतः आज की परिभाषा या आज की संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो प्राचीन जनजातियां हैं। उसको जिसके साथ जनजाति शब्द जुड़ा हुआ है उसको मूलतः आदिवासी माना जाता है। अब आदिवासी और नायक को मैंने कैसे कनेक्ट किया यह भी मैं आपको बता दूं कि क्षत्रिय और आदिवासी का आपस में जुड़ाव कैसे। आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य है वो नायक कास्ट का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है और उनके पास इतनी धन संपदा थी कि उसको मतलब इकट्ठा करने के लिए गड्ढों का इस्तेमाल किया जाता था, न कि तिजोरियां थी। सबसे धनवान राज्य था विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर राय बुक्का। अगर उसकी थोड़ी बहुत अगर आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा या नेट पे सर्च किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री मिला होगा कि उनका उद्गम था वो था क्रूबा जनजाति। क्रूबा जनजाति जो असम की मूल जनजाति थी, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है, उस जनजाति से उसका संबंध था। और अगर हम असम के जो क्रूबा जनजाति है वर्तमान की, उसके अंदर आज भी नायक उपाधि धारण की जाती है, यानी वो परंपरा जो पीढ़ी दर थी वो आज भी चली आ रही है। हम सब मानते हैं कि नायक एक उपाधि है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसकी मूल कास्टें और क्या थी। तो इसलिए मैंने उस शब्द को आदिवासी से जोड़ा, क्योंकि नायक जो उपाधि धारण की थी, नायक की जिसने उपाधि धारण की थी वो मूलतः भारत के वासी थे, यानी प्राचीन भारत के वो वासी रहे। एक सबूत और मिला है कि हम मतलब भारत के मूल निवासी हैं या नहीं। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक खुदाई के अंदर जो नरकंकाल मिले थे उसका डीएनए टेस्ट किया गया, वो हमारे डीएनए से मैच किया था, यानी जो भारत के मूल निवासी थे उनके डीएनए और उनका डीएनए एक समान था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। राय आपकी कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलेंगे एक और वीडियो में।